हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। सुबह हो चुकी है और हमारा खाना भी बन चुका है और मित्या सुबह ट्यूबवेल से नहा कर आ रही है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने एक थाली में सूखे मेवे लिए जिसमें मखाने और किशमिश और नारियल की गिरी लिए हमने। इनको हम टुकड़ों में काट लेते हैं। इनको हमने अच्छे से काट लिया है। हमने एक हड़िया लिया है, इसमें हम दही डालेंगे। और इसमें दूध मिलाएंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें हम सूखे मेवे जो हमने काटे थे वो डालेंगे। और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चना अमृत बनाया है। और अब हम चूल्हे में ईंधन को जलाया, इस पे कढ़ाई रखेंगे। और इसमें हम देसी घी डालेंगे। और यहाँ पे हमने सूजी डाला है। सूजी को हल्का सा भूनेंगे। सूजी को हमने भून लिया है। अब इसमें हम सूखे मेवे जो हमने काटे थे थोड़े से बचा के रखे हुए थे तो इसमें डाल देते हैं। और इसमें ठंडा होने के बाद चीनी डालेंगे और अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। यहाँ पे हमने सूजी का प्रसाद बनाया, सूखा चूरन जिसको बोलते हैं। और ये हमारा चना अमृत है, इसमें हम थोड़ा सा इसमें भी देसी घी डालते हैं। दियली को हम अच्छे से धुल लेते हैं। और अब प्रसाद लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। हम आ गए हैं डी बाबा के मंदिर। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा था कि हम डी बाबा आए हैं। जब हम विलेज कढ़ाई घर गए थे तो वहाँ पे भी डी बाबा थे, तो ये इनके दूसरे भाई हैं। तो यहाँ पर भी आकर हम डी बाबा का पूजा करते हैं। ये जो डी बाबा हैं हमारे मंगारी बाजार के पास में पड़ते हैं। जितने भी हमने घर से प्रसाद बना रखे थे यहाँ पे आके हम अगरबत्ती और दिया जलाते हैं और प्रसाद को चढ़ा के डी बाबा की पूजा करते हैं। यही हमारे जो है गांव के डी बाबा हैं और हमारे गांव की ये रक्षा करते हैं। और कुछ लोग यहीं आके डी बाबा के मंदिर प्रसाद बनाते हैं और पूजा करते हैं। और यहाँ पे पीपल का पेड़ है बगल में और यहाँ पे भी मैं प्रसाद को चढ़ाती हूँ और अगरबत्ती धूप जला के पूजा करती हूँ। और 7 बार पीपल के पेड़ का परिक्रमा करती हूँ।
और ये है हनुमान मंदिर। मंदिर की जगह पर यहाँ पर पहले स्कूल हुआ करता था। सन 1992 में नित्या के पापा क्लास 2 में यहाँ पर पढ़ते थे। आज यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, हनुमान मंदिर। स्कूल को जो है थोड़ा सामने बना दिया गया है और यहाँ पे जो है पूरा हनुमान मंदिर बना दिया गया है। चलिए चलते हैं अब हम मंदिर के अंदर। और ये लीजिए, हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम हनुमान मंदिर के बाहर ही घंटी बजाते हैं और फिर अंदर पूजा करते हैं। तो अब हम चलते हैं, शिव भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।